हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों की टीचर साधना यादव, केवीर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे सुहानी, हिंदी सुहानी, अध्याय 11। और आज का टॉपिक है रूसी और पूसी। आज का टॉपिक है रूसी और पूसी। तो आज हम लोग रूसी और पूसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये जो रूसी है ये क्या है, ये एक लड़की है, एक लड़की। और जो ये पूसी है ये क्या है, ये एक बिल्ली है जिसका नाम पूसी है। और रूसी ये क्या है, ये एक लड़की है। तो रूसी और पूसी, तो रूसी लड़की है और जो पूसी है वो क्या है, वो बिल्ली है। तो इस रूसी और पूसी जो है ये क्या रहती हैं, ये दोनों जो हैं ये बहुत ही अच्छी दोस्त रहती हैं। रूसी और पूसी बहुत ही अच्छी दोस्त रहती हैं। तो इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि रूसी और पूसी दोस्त हैं और इन दोनों के बारे में जानेंगे, ये कैसे रहती और क्या है इस कहानी में। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वो कहते हैं जो रूसी और पूसी हैं इनके बारे में लिखते हैं कि ये बहुत ही अच्छी दोस्त, और जो पूसी है ये एक बिल्ली है, लेकिन एक लड़की के साथ कितने अच्छे से दोस्त रहती है, उसके साथ कैसे रहती है, इन्हीं सब के बारे में लेखक इस कहानी में बताए हैं। तो देखिए, इस कहानी में होता क्या है, रूसी और पूसी दोनों एक बहुत ही अच्छी दोस्त रहती हैं। तो रूसी क्या करती है, रूसी कुर्सी पे बैठ के और मेज लगाकर वहां पे बैठ के वो चित्र बनाती है। तब तक पूसी आती है, पूसी आती है और कुर्सी के पीछे पीछे वाले हिस्से पे बैठ जाती है और रूसी से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो रूसी जो रहती है वो बताती है कि मैं तुम्हारे लिए घर बना रही हूँ, कहती है रूसी, मैं तुम्हारे लिए घर बना रही हूँ। और घर बना रही हूँ तो देखो ये है, वो जब घर बनाती है तो उसमें एक चिमनी बनाती है जहाँ से धुआं निकलता है, तो एक चिमनी बनाती है। तो कहती है देखो, ये रूसी कहती है पूसी से, देखो ये चिमनी है, तो ये जो चिमनी है इसमें से धुआं निकलता है। तो पूसी पूछती है कि मैं यहाँ पर जाकर क्या करूँगी, तो रूसी कहती है तुम यहाँ पर जाकर अपना खाना बनाना। और उसके बाद से क्या करती है रूसी, वहाँ जो चिमनी बनाती है उसमें से क्या करती है, ऐसे ऐसे करके धुआं निकाल देती है, ताकि उसे बताती है कि ये देखो ये धुआं निकल रहा है और तुम चिमनी पर जब खाना बनाओगी, जब अपना चूल्हा जलाओगी तो यहाँ से धुआं निकलेगा और तुम उस पर अपना खाना बनाना। तो पूसी कहती है ठीक है। उसके बाद पूसी कहती है कि ठीक है, अब बताओ जब घर में कोई खिड़की नहीं है तो मैं आऊंगी कहाँ से, मतलब बिल्लियाँ तो खिड़की से ही आती है। पूसी कहती बिल्लियाँ तो खिड़की से ही आती हैं, तो जब इस घर में एक भी खिड़कियाँ नहीं है तो मैं कहाँ से आऊंगी। तो फिर रूसी कहती है ठीक है, ये लो मैं तुम्हारे लिए खिड़कियाँ भी बना देती हूँ। तो वो रूसी कहती जाती है और 3-4 खिड़कियाँ उस घर के जो चित्र बनाती है उस घर में 3-4 खिड़कियां भी बना देती हैं, कहती हैं ये रहा तुम्हारी खिड़कियां। उसके बाद फिर पूसी पूछती है ठीक है खिड़कियां बना दी, तो अब मैं जब लालटेन जलाऊंगी तो उसे मैं रखूंगी कहाँ, उसे टांगूंगी कहाँ, मतलब मान लीजिए जब लालटेन वो जलाएगी तो उसे टांगने के लिए कोई जगह तो होना चाहिए। तो फिर रूसी क्या करती है, उसे टांगने के लिए भी क्या करती है, वो किनारा बना देती है, कहती है देखो अब तुम अपना लालटेन यहाँ पे टांगना। उसके बाद से फिर पूसी पूछती है कि तुमने किनारा तो बना दिया, अब ये बताओ यहाँ पे कोई बाग बगीचा नहीं है, मैं यहाँ पे करूंगी क्या। तो फिर
रूसी क्या करती है, बागीचा बनाती है। तो फिर पूसी देखती है और उसे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ उगाया नहीं रहता, मतलब कुछ पेड़ पौधे घास फूस कुछ नहीं बनाई जाती है, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता है। तो वो फिर कहती है मैं इस बागीचे में क्या करूँगी, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद से फिर वो पूसी रूसी क्या करती है, वहाँ पे बागीचे में पेड़ पौधे और ढेर सारा घास उस हरियाली जैसे बना देती है। तो पूसी खुश हो जाती है। उसके बाद से फिर क्या करती है, फिर पूछती है यहाँ पे कोई पक्षी वच्छी है कि नहीं, मतलब चिड़िया उड़िया कोई है कि नहीं है। उसके बाद से फिर कहती है पूसी रूसी कहती है ठीक है, वो भी बनाती है। फिर उसके बाद से उसे चिड़िया उड़िया भी बना के दिखा देती है। तो फिर पूसी कहती है ये सब तो ठीक है, फिर ये बताओ जब यहाँ पे तालाब है कि नहीं। तो वो कहती है क्यों, तो कहती है जब तालाब नहीं रहेगा उसमें मछलियाँ नहीं रहेंगी तो मैं पकड़ूंगी क्या। तो वो रूसी कहती है ठीक है। तो फिर रूसी क्या करती है, वहां पे तालाब बना के वहां 3-4 मछलियां तालाब में बना देती है, कहती है अब तो इसे पकड़ना। तो वो फिर उसे खुश हो जाती है। उसके बाद से फिर कहती है पूसी कहती है अपने पंजों को खुजलाते उजलाते कहती है कि ये बताओ यहाँ पे कोई चूहा है कि नहीं, मतलब बिल्ली चूहे को तो बहुत पसंद से खाती है, चूहे को देखती है तुरंत झपट पड़ती है। तो ऐसे ही अपना अपनी पाँव को खुजलाती है, पूंछ को चाटती है और पूछ धीरे से पूछती है, धीरी आवाज में पूछती है कि यहाँ पे कोई चूहा हुआ है कि नहीं। तब रूसी कहती है नहीं, यहाँ पे जो रूसी रहती है वो तेज से बोलती है नहीं यहाँ पे कोई चूहा हुआ नहीं है। तो उसके बाद से कहती है यहाँ पे कोई चूहा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक कुत्ता है। वहाँ पे क्या करती है, घर के बाहर जो घर बनाते है दरवाजे के पास एक कुत्ता बनाती है, कहती है यहाँ पे एक कुत्ता रहेगा और ये कुत्ता जो क्या करेगा तुम्हारे घर की रखवाली करेगा। तो बिल्लियाँ और कुत्ते तो दुश्मन होते हैं, बिल्ली जो है वो क्या कहती है कुत्ते से बहुत ही डरती है। तो उसके वजह से वो जैसे ही कुत्ते का नाम बिल्ली सुनती, जो पूसी रहती है जैसे ही कुत्ते का नाम सुनती है वो क्या करती है झलझला सी जाती है और उसके जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, एकदम गुस्से में हो जाती है और डरी सी सहमी सी एकदम से हो जाती है और कहती है मुझे तुम्हारा घर पसंद नहीं है। क्योंकि उसे क्यों नहीं पसंद है उसका घर, क्योंकि अभी तक तो उसे उसे घर पसंद था और अपनी एक एक बातें करके उसमें एक एक चीज उस घर में बनवाती गई, लेकिन जब कुत्ते का नाम सुनती है तो वो डर जाती है क्योंकि वो जो कुत्ता होता है ना वो बिल्ली बिल्ली को डराता है, बिल्ली को देखते ही उसे दौड़ा लेता है इसलिए। और बिल्ली भी क्या करती है जिस तरह चूहे बिल्ली से डरती है जिस तरह चूहा बिल्ली से डरता है उसी तरह बिल्ली जो है कुत्ते से डरती है। तो इसीलिए वो कुत्ते का नाम सुनते ही डर जाती है और गुस्से में आकर कहती है मुझे तुम्हारा घर नहीं अच्छा है, मुझे तुम्हारा घर जो है ये पसंद नहीं है, और ये कहकर वहां से चली जाती है। तो देखिए जो पूसी जो रूसी रहती है कितने मेहनत से उसका घर बनाती है, लेकिन पूसी को लास्ट में क्या होता है नहीं पसंद आता। क्यों, क्योंकि उसके खाने का इंतजाम नहीं करती है, खाने के लिए उसके लिए खाने के लिए जो है भी खाने के लिए जो चूहा नहीं बनाती है और उसके ऊपर से उसे डराने के लिए कुत्ता बनाती है। लेकिन जो रूसी रहती है वो कुत्ता तो इसलिए बनाती है कि वो घर की रखवाली करे, और कुत्ता तो सारे लोग इसीलिए रखते हैं ना, कुछ लोग ऐसे रखते हैं कि वो घर की रखवाली करता है, कुत्ते को माना जाता है कि कुत्ते जो होते हैं वो घर की रखवाली करते हैं। तो इसलिए रूसी भी वहाँ पे घर के सामने दरवाजे पे एक कुत्ता बना देती है कि ये तुम्हारे घर की रखवाली करेगा। लेकिन जो पूसी होती है वो क्या होता है वो कुत्ते से बहुत ही डरती है, इसलिए वो कहती है मुझे तुम्हारा घर नहीं पसंद है। तो इस कहानी में रूसी और पूसी दोनों दोस्तों की यही कहानी रहती है, दोनों में बहुत प्यार भी रहता है और दोनों झगड़ा भी बहुत करती हैं। तो बच्चों एक बार और फिर से हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं इस कहानी में क्या होता है। इस कहानी में एक रूसी रहती है और एक पूसी रहती है जो आपस में बहुत ही अच्छी मित्रता रहती है इन दोनों की। तो ये जो रूसी रहती है वो पूसी के लिए घर बनाती है,
तो वो पूसी आती है उसके चेयर पे, सॉरी उसके कुर्सी पे पीछे बैठ जाती है और पूछती है कि तुम क्या कर रही हो रूसी। तो रूसी कहती है मैं तुम्हारे लिए एक घर बना रही हूँ। तो वो कहती है अच्छा ठीक, मेरे लिए घर बना रही हो। तो उसके बाद से कहती है देखो ये चिमनी है जहाँ से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। तो वो पूछती मैं यहाँ पे जाके करूँगी क्या। तो रूसी कहती है तुम यहाँ पर आके अपना खाना बनाना, अपना खाना बनाना खाना, और यहाँ से जो चिमनी उसमें से क्या निकले, जब तुम खाना बनाओगी तो चिमनी में से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। तो जो चिमनी होता है वहां पे जब खाना बनते हैं तो वहां से धुआं निकल जाता है, इधर उधर फैलता नहीं है, वो सीधा चिमनी के रास्ते से ऊपर निकल जाता है। तो इसलिए चिमनी वहां पे बनाती है। फिर जो पूसी होती है वो क्या करती है, रूसी को एक एक चीजें बताते जाती है बनाने के लिए। तो वो एक एक चीजें जैसे कि करती है कि यहाँ पे बगीचा बना दो, मछलियाँ बना दो, पंछी बना दो, ये सारे चीज़ें, और क्या कहते हैं खिड़कियाँ बना दो, किनारा बना दो, ये सारे चीज़ें रूसी रूसी को बताते जाती है पूसी, और रूसी बनाते जाती है चित्र में। उसके वजह से फिर क्या होता है, थोड़ी सी बात बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ जाती है, क्योंकि रूसी रूसी वहाँ पे चूहा नहीं बनाती है। तो पूसी देखती है तो कहती है यहाँ पे जब चूहा नहीं है तो मैं खाऊंगी क्या। तो उसके वजह से वो कहती है नहीं, यहाँ पे कोई चूहा वूहा नहीं रहेगा, यहाँ पे एक कुत्ता रहेगा जो हमारे घर की रखवाली करेगा। तो वो क्या होती है, पूसी जो होती है वो गुस्सा हो जाती है, कहती नहीं हमें कुत्ते उत्ते हमें सॉरी हमें तुम्हारा घर नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि उसे कुत्ते से बहुत ही डर लगता है, इसलिए उसे कहती है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है हमें तुम्हारा घर नहीं पसंद है। तो बस इस कहानी में इतना ही रहता है और कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।